डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल पोंग डैम तो पानी छड्डे जाने तों बाद गुरदासपुर मकेरिया रोड दे ब्यास दरिया किनारे स्थित पिंडां विच पानी आ जाण तों बाद लगातार स्थिति ते नज़र बनाए रखी हुई हन। डिप्टी कमिश्नर वल्लों लगातार हड़ प्रभावित पिंडां दा दौरा किया जा रहा, अज भी वह इन्हां खेतरां विच लगातार विच रहे हन अते इन्हां खेतरां दी ताज़ा स्थिति अते प्रशासन दे प्रबंधां बारे जानकारी दे रहे हन। कल जो शाम हालात सीगे अपने ओदे नालो थोड़ा पानी कटिया हैगा। मैं पहाड़ वाली साइड जिथे साडा ब्रीच होया हो तुसी उत्थे भी हुणे सवेरे जाके आए हुण असी कल साडा जिहड़ा मोटरेबल रोड इनंडेट हुई सी इत्थे भी वीकेंड सी कि कल नालो पानी जिहड़ा कटिया कल डैम तो 20,000 क्यूसिक जिहड़ा पानी कटाया गया सीगा ते हजे भी खतरे तो निशान तो उत्ते हैगा डैम। पर जिहड़ा हैगा सवेरे मैनूं पता लग्या थोड़ी देर च होर पानी जिहड़ा कट होगा। सो सानू उम्मीद है कि ये वाला एरिया अज थोड़े बेहतर हालातों च होगा। कल सारा दिन का असी जो डाटा टैली किया लगभग 500 बंदा गल गल दे विच असी पूरे प्रशासन वालों लोगों की सहायता नाल जिहड़े पिंड दे लोग हैं उन्हां नाल आर्मी BSF SDRF NDRF 500 बंदा असी रेस्क्यू किया सीगा। अज सानू लगता है कि रेस्क्यू की लोड़ होर भी पैनी क्योंकि कल काफ़ी लोग अपने घरों तो नहीं आए थे तो अज क्योंकि तीजा दिन हैगा तो हो सकता जो वापस इतने आने की कोशिश करन ते असी उन्हां नूं पूरी सहायता प्रदान करांगे। असी आर्मी का भी एक टीम एक्स्ट्रा मंगा ली है NDRF की भी टीम एक्स्ट्रा अज कॉलिंग की हैगी बट सानू उम्मीद है अज हालात थोड़े होर बेहतर होंगे। सर जिस तरह कहा जा रहा है कि पिछले जो आने वाले 5 दिन ने उन्होंने वे पौंग डैम के जो फ्लड गेट ने खोले रखे जाएंगे तो फिर होर पानी आने की ज्यादा होगी। देखो पौंग डैम च खतरे निशान तो 10 फीट उत्ते परसों पानी सो वह जे ना खोलिया गया तो वह कल ओवरफ्लो भी हो सकता है। सो खोलना इसी इलाके की बेहतरी लिए भी जरूरी है। थोड़ा थोड़ा पानी करके कटो हूँ 1,40,000 है हो सकता 2.5-3 लाख खोलना पै जाता जे आप इन्ना भी ना छड़े एकोदम जो 2.5 लाख छोड़ते शहर डुब जाना सीगा अगे पूरा का पूरा अपना जिला डुब सकता सीगा। सो एक 40 परसों से एक भी कल होया अज भी कटना है मेरी गल हुई है अथॉरिटीज नाल इस इलाके च पानी वधेगा इस इलाके च कटूगा जिहड़ा पानी एक भी सीगा अज हो सकता 1 लाख या उस तो भी घट करती है। सो ओबियसली उहदे नाल जिहड़ा पानी कटना है जिहड़े कल शाम तो अज दे हालात है मैं उत्थे अगे भी अगां वाले एरिया च हुणे जाकर आया उत्थे घट्टो घट 9 इंच पानी घट गया है कल नालों जिहड़ा रुखां तो आपां देख सकदे हां किन्ना पानी है 9 इंच घट गया इत्थे भी असीं जिथे कल तक आया सी उदों पिछा चला गया है 7-8 फुट जिहड़ा है। सो इस करके बेहतर हो रहे हैं हालात लोगों को तकलीफ हैगी बिल्कुल क्योंकि अपने घरों तो दूर ने राशन पानी की कमी हो सकती है बट असी इतने रिलीफ सेंटर कल एक खोलिया सी साडे कोल 100 के करीब रिलीफ सेंटर से कल बंदे आए अज 2 रिलीफ सेंटर असी इसी रोड के पिछे होर खोलते पे तो साडे कोल 500 बंदे की कपैसिटी इस वेले रिलीफ सेंटर की हैगी। जे लोग आना चाहते हैं उन्होंने खाना पानी सेहत सुविधावान उन्होंने डंगर जरा अपनी वैटनरी सर्विसिज वो असी प्रशासन वालों प्रोवाइड करवाएंगे। सन असी यही बेनती करते हैं किसी को कोई भी जो तकलीफ हैगी साडे हेल्पलाइन नंबर ਹੈਗੇ 1800-180-1852 ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 112 ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਉਤਰਨ 'ਚ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ 2 ਨਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।